आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं हूं आपके साथ नायिका। ये बात करते हैं बड़ी खबर के बारे में। तो मध्य प्रदेश में आज शुक्रवार को 17 दिसंबर को आज एक बार फिर से जो है कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 21 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 170 के पार हो गई है। वही 16 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और रिकवरी रेट 98% के पार बना हुआ है। प्रदेश में 29 दिन में 468 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा भोपाल में 195 और इंदौर में 171 शामिल है। हर दिन 15 से 20 नए केस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 21 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें भोपाल और इंदौर में 8-8, उज्जैन में 2 और जबलपुर अनूपपुर रायसेन में 1-1 संक्रमित मिला है। गुरुवार को 65,000 सैंपल जांच की गई। वहीं इंदौर में 1 साल का बच्चा और उज्जैन में 2 पॉजिटिव मिले हैं। एक दिन पहले संक्रमित मिले प्रोफेसर की पत्नी और प्रोफेसर दोस्त भी पॉजिटिव आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 176 पर पहुंच गई है। बात की जाए 10 से 17 दिसंबर के आंकड़ों पर हम गौर करें तो 136 एक्टिव केस है कुल। और वहीं प्रदेश में 793,446 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 782,741 लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना के कारण 10,529 की जान जा चुकी है। तो ये था कोरोना का आंकड़ा। इस तरह तमाम जानकारी लगातार आगे के अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।